मुझे पता है आप माँ के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं माँ को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे हालातों से गुजरना पड़ा होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, यही तो मुसीबत है। आपने दादी मां और बाबूजी से बात की? दादी मां ने तो हमें बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई, और बाबूजी वो आज भी दादी मां के खिलाफ नहीं जाना चाहते। कितने दुख की बात है कि बाबूजी और दादी मां ने मां के साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। सुमित, उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी किया जानबूझकर तो नहीं किया, जरूर कोई ऐसे हालात पैदा हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्हें ये करना पड़ा। देखो, हम लोग घर वालों की बातों को मानकर बाबूजी और दादी माँ को दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि माँ गलत थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो गई हो, कोई मजबूरी हो। ओके, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ गलत फहमी हो गई होगी, लेकिन इस गलत फहमी के लिए भुगतरा कौन है? माँ जी, दादी माँ और बाबूजी ने माँ को उस वक्त निकाला जब वो गर्भवती थी। हमें तो यही नहीं पता कि हमारा कोई भाई है या बहन है, वो कहाँ है, किस हालत में है। सुमित, अगर माँ जी गर्भवती थी तो जरूर तुम्हें कोई भाई या बहन तो होगा ही। उस घर में सुनील के अलावा एक और लड़की है, प्रियंका। और हाँ, एक बार सुनील ने बातों बातों में मुझसे कहा था कि वो उसकी सगी बहन नहीं है बल्कि माँ जी की पहले पति की बेटी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो तुम्हारी बहन तो नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि प्रियंका हमारी बहन है? अब तो मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा है। भाई, बाबूजी को इस बात का पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। खुश तो होंगे, तुम लोग भी खुश होगे, और तुम लोग उसे यहाँ पर लाना भी चाहोगे। लेकिन सुमित, प्रियंका अपने पिता से, जिसे वो अपना पिता समझती है, बहुत प्यार करती है, उस घर से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं आएगी। और शायद कभी ना कभी जिंदगी में उसे बाबूजी और हमारी जरूरत तो पड़ेगी। सच, बाबूजी ने दादी माँ की बात सुनकर बहुत ही गलत कदम उठाया। मुझे दादी माँ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। दादी माँ भी अपने उसूलों के चक्कर में आकर कोई भी फैसला कर लेती है। देखिए हाँ, दादी माँ के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ये बात आप याद रखिए, दादी माँ है इसलिए ये घर आबाद है। हम लोग इस घर में एक छत के नीचे सब एक साथ रह रहे हैं, नहीं तो कब के टुकड़े हो जाते। ठीक है, उन्होंने हमारे बीच एक एकता बनाकर रखी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफी हो। दुनिया वालों की बातों में आकर हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जरूर कोई बात हुई होगी। तुम्हारा कहने का मतलब है मेरी माँ गलत है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, कोई गलत फहमी हो गई होगी। खैर छोड़िए, अब ये सोचिए कि हमें क्या करना है। क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, हमारी माँ को ये खुशी होगी कि हमें सच्चाई का पता चल गया है कि हमारी माँ जिंदा है। लेकिन एक बात का दुख भी है कि वो हमारे साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसने अपना अलग घर बसा लिया है। उनका घर अलग हुआ तो क्या हुआ, आप लोग तो उनसे मिलने जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हमारी माँ कितनी खुश होगी जब अपने तीनों बेटों को साथ में देखेगी। हाँ, आज तेरे तीनों लाडले बेटों ने अच्छा नहीं किया, उस गिरी हुई औरत की वजह से मुझे जलील किया। भगवान ने यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा था। तू चुप क्यों है? माँ, वैसे देखा जाए तो गलती हम दोनों की है, हमें जमुना को इस तरीके से घर से नहीं निकालना चाहिए था। अब तू भी बोलने लग गया, उस एक अकेली औरत ने तुम सबको मेरे खिलाफ कर दिया। तुम सब ने मिलकर क्या क्या वादे किए थे, बाकी सबका तो ठीक है, पर तू मेरा बेटा होकर भी मेरे खिलाफ जा रहा है। अब मैं यहां नहीं रहूंगी, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तू मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने का बंदोबस्त कर दे, नहीं रहूंगी यहां मैं, छोड़कर चली जाऊंगी। अगर सब यही सोचते हैं कि मैं गलत हूं तो वही सही। मां, प्लीज मां, जिद छोड़ो, तुम सबसे बड़ी हो, इसके बावजूद तुम ऐसा करोगी तो कैसा चलेगा? मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दादी मां,
आपको तो पता है आपके जाने से घर सूना हो जाएगा। कैसे सूना हो जाएगा? तुम लोगों को माँ मिल गई है ना, जाकर ले आओ इसे, आबाद कर देगी इस घर को। दादी माँ, आपका दर्जा माँ से बड़ा है, उन्हें आपके बराबर का दर्जा थोड़ी दे सकते हैं। उसकी तरफदारी करके मुझे उल्टी सीधी सुना डाली और आप कह रहे हो कि मेरा दर्जा उससे बड़ा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जा रही हूँ। प्लीज, माना हमसे गलती हो गई, अब तो माफ कर दो ना। तुम लोगों के दिल में ये बात बैठ गई है कि मैंने जमुना के साथ गलत किया। तुम लोग उसे हॉस्पिटल में मिलकर भी आए, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम लोगों का बस चले तो तुम लोग उसे घर पर ले आओ। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ और हमें माफ कर दो बस। हाँ दादी माँ, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं, आप चली जाएंगी तो ये घर टूट जाएगा, क्या ये आपको अच्छा लगेगा? दादी माँ, इन सबको तो अपनी माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ तो आप ही है ना। अगर आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। दादी माँ प्लीज, घर छोड़ के मत जाइए। मैं इन लोगों की बात ठुकरा सकती हूँ, पर तेरा प्यार मेरे पाँव में पेड़िया है। ठीक है, नहीं चाहती मैं। सुमित, तुम इस तरह कब तक मेरी सेवा करते रहोगे? मेरी मानो, प्लीज ऑफिस जाना शुरू कर दो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। पायल, तुम मेरे ऑफिस की फिक्र मत करो, अब तो रोहित ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और वो बिजनेस अच्छी तरह से संभाल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है रोहित पर, मुझे चिंता है तो सिर्फ तुम्हारे ऑफिस की, क्योंकि सुनील के बस की बात नहीं है कि वो तुम्हारा बिजनेस संभाल सके। रहने दो, तुम उस बिजनेस के बारे में मत सोचो। सुमित, तुम हमेशा चाहते थे ना कि मैं कोई काम नहीं करूं, कोई बिजनेस नहीं करूं। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी बात सुन ली और मुझे ऐसी सजा दी कि चाहते हुए भी मैं कोई काम नहीं कर सकती। नहीं पायल, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम बिजनेस मत करो, मैं ये चाहता था कि तुम सुनील के साथ बिजनेस मत करो। मुझे अपने आप से तुम पर ज्यादा विश्वास है। और हाँ, रही पूर्णिमा की बात, तो मैं आज भी यही कहूंगा कि पहली बार मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसके बाद जब से मैंने तुम्हारी कसम खाई, मेरे पूर्णिमा के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं थे। मैं सच कह रहा हूँ पायल, आज मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरी हर बात का विश्वास करो। एंड आई लव यू पायल। आई लव यू सुमित, और मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। मे आई कम इन? आओ पूर्णिमा। अब तबीयत कैसी है पायल? कैसी हो सकती है पूर्णिमा, सब पर बोझ बनी हुई हूं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे सहारा लेना पड़ता है। सच पूछो तो सब लोग परेशान हो चुके हैं मुझसे। ऐसे क्यों बोलती हो पायल? तुम बोझ नहीं हो, और वैसे भी सब तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं, स्पेशली सुमित। और अपने आप को अकेले मत समझो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ पायल। मेरा भी पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहूं? कहो पायल। क्या मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन कह सकती हूं? पूर्णिमा दीदी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं आपकी देखभाल करूंगी, और देखना बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। पूर्णिमा, तुमसे और सुमित से जो गलती हुई थी उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत गम हुआ था। उस दिन तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन ऊपर ही दिल से। लेकिन आज ऐसी बात कहकर तुमने मेरे सारे गिले शिकवे मिटा दिए। दीदी, आप पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि उन बातों को याद करोगे तो आप अपने आप को ही दुखी करोगे, और दुखी होने से
इंसान की तबीयत और खराब होती है, और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। अब जब किस्मत को यही मंजूर था तो कर भी क्या सकते हैं। नहीं पायल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। झूठी आशा मत दिलाओ, मैं जानती हूँ मैं अब कभी भी ठीक नहीं होने वाले। ऐसी बातें क्यों करती हो पायल? तुम्हारे मुंह से ये मायूसी भरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो जिंदगी से बहुत प्यार करती थी ना, हमेशा हर काम फूर्ती से किया करती थी, हर काम में आगे होती थी। लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मुझे सुमित ने बताया। सुमित ने? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? पता है, मैं जब भी सुमित से मिलती थी वो हमेशा आपकी तारीफ करता रहता था, पायल ये करती है, पायल इतनी अच्छी है। और मैं मन ही मन में सोचती रहती थी कि पायल कितनी नसीब वाली है जो उसे ऐसा पति मिला। मुझे पता है आपकी सुमित से पहली मुलाकात से लेकर आज तक सारी बातें पता है। सुमित मेरे बारे में ये सब कुछ कहता था और मैं यहाँ बैठे बैठे उसके बारे में क्या क्या सोचते रहती थी। कितनी बदनसीब हूँ मैं कि अपने पति को समझ नहीं पाई। दीदी, मैंने आपसे कहा ना, आप भूल जाओ बीती बातों को। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। और हाँ, मेरा बंगलो भी बहुत बड़ा है, मैं वहाँ अच्छी तरीके से आपकी देखभाल करूँगी। बंगलो में स्विमिंग पूल है, लॉन है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप चार दीवारी में बंद हो, और अच्छा चेंज भी हो जाएगा आपके लिए। स्विमिंग पूल, लॉन, बड़ा बंगला या फिर ये चार दीवारी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपने आप से इस बिस्तर से तक नहीं उतर सकती। आप ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको व्हील चेयर पर बिठाकर सारे घर में घुमाया करूंगी। आई एम सॉरी पायल, आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स, आई एम रियली सॉरी। नहीं पूर्णिमा, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम सच्ची तो कह रही हो। अब व्हील चेयर ही मेरी जिंदगी का सहारा है। नहीं पायल, अब मैं तुम्हें व्हील चेयर के सहारे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पापा एक बहुत ही बड़े डॉक्टर को जानते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, मैं पापा से कह के उस डॉक्टर को यहाँ बुलवा लूँगी और तुम्हारा इलाज कराऊंगी तुम्हें अपने घर ले जाकर। और देखना पायल, बहुत जल्दी तुम फिर से एक बार दौड़ भाग करने लगोगी। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है। छोड़िए ना, मैं यहाँ के डॉक्टर्स को नहीं मानती। अब देखना, बहुत जल्दी मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी और ठीक किए बिना मानूंगी नहीं। पायल, पूर्णिमा किस लिए आई थी? बस यूं ही। देखो, मुझे उसका यहाँ आना पसंद नहीं है, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। सुमित, अब जो हो गया सो हो गया, उसने मुझसे माफी मांग ली और मैंने उसे माफ भी कर दिया। पता है क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं यहाँ बोर हो रही होंगी तो थोड़े दिन उसके घर चल कर रहूँ। ये उसकी चाल है, तुम उसे समझती नहीं हो। जानते हो उसने मुझे आज क्या कहा? अपनी बहन कहा। बहन कहकर वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, और फिर क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि उसकी बातों को समझ नहीं पाऊंगी? मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वो डॉक्टर से मिलने गया था। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, बस फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें कर कर पेशेंट्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ समय अब कभी भी ठीक नहीं होंगी। नहीं पायल, इस तरह हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज तक मैंने तुम्हें महसूस होने दिया कि तुम अपाहिज हो? नहीं। तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम चल फिर नहीं सकती हो? नहीं। पायल, इस तरह की बातें करकर तुम अपने दिल को छोटा मत करो। ऊपर वाला इतना बेदर्द नहीं है कि इतनी खूबसूरत पत्नी को इतनी कम उम्र में अपाहिज बना देगा। और देखो, बहुत जल्द तुम
चलने फिरने लगोगी, घर की जिम्मेदारी संभालने लगोगी, ऑफिस जाओगी और बस सुमित मुझे झूठे सपने मत दिखा। हो अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं सब समझती हूँ। मुझे कम से कम खुशी इस बात की है कि इस एक्सीडेंट में मैंने अपने पैर तो खो दिए लेकिन तुम्हें पा लिया। अगर मुझे पता होता ना सुमित कि अपाहिज होकर ही मैं तुम्हें पा सकूंगी तो मैं पहले अपाहिज हो जाती। पायल प्लीज इस तरह की बातें मत करो, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम्हें दुख देकर मैं तुम्हारा प्यार नहीं पाना चाहता। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? ये पूछकर तुम मेरे प्यार की तोहिन मत करो। नहीं सुमित, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमको मेरे प्यार पर विश्वास है तो मेरा एक कहा मानोगे? मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ना तुम्हारे लिए नर्स रखूंगा और अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। और कुछ पूछना तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं, कब तक इस तरह मेरी देखभाल करते रहोगे? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी। मैं जिंदगी भर ठीक नहीं होने वाली। पायल तुम हिम्मत मत हारो, तुम ठीक हो जाओगी। प्रैक्टिकल बात करो सुमित, जरा सोचो, अगर तुम काम में ध्यान नहीं दोगे, मेरी सेवा करते रहोगे तो घर वाले क्या सोचेंगे? घर वाले सब समझते हैं। वो इस तरह कब तक समझते रहेंगे? पायल अगर घर वाले नहीं समझेंगे और उन्हें ये लगेगा कि हम उन पर बोझ हैं तो हम ये घर छोड़ देंगे। नहीं सुमित, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम ये घर छोड़ो। मैं तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम थोड़ा ऑफिस के कामों में ध्यान दो। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ तो घर वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे? पायल मैं आज और अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। सुमित, सुमित, हे भगवान,